और बहुत सारी परिचयाएं जिन्होंने मन बुद्धियों की संभाल की, उनका इलाज करवाया, उनको उनके परिजनों से मिलवाया। इनमें है मोहाली के सेवादारों ने, और इसके अलावा केसरी सिंहपुर के सेवादारों ने रेलवे स्टेशन पर एक महिला को उसके परिजनों से मिलवाया। उसके परिजन तो ये सोच चुके थे कि ये महिला मर चुकी है, और उसे पाकर वो बहुत खुश हुए। इसी प्रकार गंगानगर में भी इन्होंने एक मंदबुद्धि का इलाज करवाया, और 1600 किलोमीटर दूर जबलपुर उसके परिवार वालों से इनको मिलवाया। ये एक महीने में 5 मंदबुद्धि भाई और बहनों को मिलवा चुके हैं जी। इसके अलावा पारसनाथ ये लोनी से हैं, इन्होंने भी एक महिला को 40 साल के जो मंदबुद्धि है उसका इलाज ये लगातार करवा रहे हैं, लेकिन इसके अभी घर वालों का पता नहीं चल पाया है। और इसके अलावा एक और ये गुमशुदा है, 60 साल के थे, इन्होंने संभाल की और इनके परिवार वालों को मिलाया। ये ब्लॉक झांसी का रहने वाला था जी। और इसके अलावा श्री मुक्सर साहिब से भी सात संगत ने 8 मंदबुद्धियों की संभाल के उनका इलाज करवाया जी। और संगरिया ब्लॉक में 5 मंदबुद्धियों को आज ये लेकर आए हैं, 2 को नाम और जाम के दिलाने के लिए। और इन्होंने एक भाई को भीलवाड़ा व दूसरे को उड़ीसा के बरगढ़ गांव में उसके परिजनों को सौंप कर आई। 2000 किलोमीटर का सफर तय करके ये जब उड़ीसा गए तो वहां के लोग भी बड़े आश्चर्य हुए कि डेरा सच्चा सौदा नाम की ऐसी कोई संस्था है जी जो इतने लोक भलाई के कार्य कर रही है। आप जी का बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद किया जी। सब ब्लॉक वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने मंदबुद्धियों की संभाल की, उनको उनके घर पहुंचाया। और मालिक सतगुरु से यही प्रार्थना है कि आपके घरों में वो खुशियों के ढेर लगा दे, दया में रहमत से आपको माला माल बना दे, ये मालिक से दुआ है। और जो वचन मान के आगे चला करते हैं कभी उनको मुंह की नहीं खानी पड़ती, हमेशा उनकी जोड़ियां मालिक के रहमो करम से माला माल रहती हैं। सो आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेना, शाबाश। और यहाँ की जो भी चौथा स्तंभ पत्रकार समाज है उनसे मिलना जरूर और उनको मिलवाना जरूर। आशीर्वाद।